क्या हुआ मैडम, बात क्या है? वो लोग मुझे मार डालेंगे, बचाइए। क्या हो रहा है यहाँ, क्या बात है मैडम? वो मेरे पीछे पड़े, वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है आपको? मैं नहीं जानती, वो दो गुंडे हैं। गुंडे? कौन से गुंडे? आगे, वो मुझे मार डालेंगे। अरे अरे मैडम सुनिए तो सही। मैडम डरने की जरूरत नहीं है। रुकिए मैडम, भागिए मत। और वो अचानक कहीं गायब हो गई। हमने उसका पीछा भी किया पर कहीं मिली नहीं वो। आपने कहा कि उसका खून बह रहा था, तो उसका घाव कैसा था? मतलब गोली लगी थी या चाकू का घाव था? सर अब ये तो मुझे पता नहीं, उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। अब ये कैसा घाव था ये तो बताना मुश्किल है। लड़की बहुत डरी हुई थी सर, पता नहीं वो बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है, आप लोग अपना नाम पता लिखवा दीजिए। प्लीज डोंट माइंड, शायद आप लोगों को सीआईडी ब्यूरो में आना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। रेडी? आते हैं। क्या पता चला लड़की के बारे में? वो लड़की तो कह रही थी कि दो गुंडे उसे मारना चाहते थे, लेकिन मैनेजर कह रहा है कि उसके पीछे पीछे यहाँ कोई नहीं आया था। अब यहाँ इतने सारे लोग थे तो हो सकता है अंदर ना आए होंगे। सरेआम एक लड़की खून से सनी हुई सड़क पे भाग रही है, लोगों से मदद मांग रही है, ये बड़ी भयानक बात है। बस खून कहीं उसी का तो नहीं? मेयर साहब इधर आइए। जी सर। ये दुपट्टा किसका है? अरे सर ये तो उसी लड़की का है। ये तो बड़ा महंगा दुपट्टा है सर। अच्छा देखो सर, ओह सर तो वलुचा का बना हुआ दुपट्टा है। वलुचा? जी सर, बहुत फेमस डिजाइनर है। इनफैक्ट मैं भी इसके एक ड्रेस खरीदना चाहती थी, बट सर ये देखिए उसका सिग्नेचर। वी, अब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो इस वलुचा से मिल ही लेते हैं। हेलो, ओ उठो। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको मुझे खून नहीं दिखाना चाहिए था। अरे यार हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, हमें क्या मालूम ये खून देख के तुम बेहोश हो जाओगे। बेहोश? मैं बेहोश हो गया था? अरे आप ये छोड़ो, आप ये बताओ आपकी मैडम कब आएंगे? मैडम तो बस आती होंगे, पर ये सब आपको उनको फोन पे बता देना चाहिए था ना कि बात क्या है। फोन पे कैसे बता सकते, और हमें खुद नहीं मालूम कि बात क्या है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एक लड़की की जान खतरे में है जिसका जिसका ये दुपट्टा है। अरे भैया एक मिनट। हेलो, ये क्या हो रहा है मेरे बुटीक में? हम लोग सीआईडी से आए हैं। और इन्हें क्या हुआ है? ये बेहोश हो गए। बेहोश? आपने मारा इन्हें? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते है ना दया। ये तो अपने आप लुढ़क गए। अपने आप कोई बेहोश नहीं होता, मैं अभी अपने लॉयर को फोन लगाती हूँ। जरूर, उससे पहले जरा आप ये देख लीजिए। ये क्या है? खून है। ये दुपट्टा आपका बनाया हुआ है ना, देखिए आप ही का है ना ये। जी आप फोन कर सकती है बड़े शौक से अपने लॉयर को। हा? अब जरा इस दुपट्टे को ध्यान से देखिए, ऐसे कितने दुपट्टे बनाए हैं आपने? जी मेरे सारे दुपट्टे अलग होते हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता। मतलब ऐसा एक ही दुपट्टा है? जी। ये किसको बेचा आपने, कुछ याद है? ये मैंने राजीव की वाइफ के लिए बनाया था, कृतिका के लिए। आप जरा राजीव का एड्रेस दीजिए हमें। भाई शादी यानी बर्बादी यार। लो दोस्तों, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी। क्या दोस्त, ठंडे ठंडे पानी पे टरका रहे हैं? हम लोग तो अपनी भाभी से मिलने आए थे। अरे यार वो नहीं मिल सकती, अरे वो हनीमून से आते ही किसी फ्रेंड से मिलने उसके घर भाग गई। अरे यार अभी अभी तो तुम हनीमून से आए हो और तुम्हारी बीवी भाग भी गई। ए कमल बस कर यार, राजीव को शर्म आ रही है। देखा मैंने कहा ना, आ गई वो। यस मिसेस कृतिका घर में है? नहीं वो अभी घर पे नहीं है,
आप कौन है? मैं राजीव, उनका हस्बैंड। आप लोग? मैं इसी भी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी से? जी। क्या चाहिए आपको? क्या मंदर आ सकते हैं? यस यस सर, प्लीज। थैंक यू। सब बात क्या है, कृतिका को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वही तुम जानना चाहते हैं। मतलब ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, सनी, कमल, पुनीत। लेकिन आप? पुनीत, कमल, सनी। ओके राजीव, एक बात बताइए, सुबह से आप कहाँ थे? सर मैं ऑफिस में ही था। वो एक्चुअली कल ही हम लोग हनीमून से आए ना, तो दोस्तों का फोन आया तो। कल ही आप हनीमून से आए? हनीमून कहाँ मनाने गए थे आप? जोधपुर सर। जोधपुर, दैट्स अ नाइस प्लेस। यस सर। और जोधपुर में कहाँ ठहरे थे? सनराइज होटल। सनराइज होटल। सर बात क्या है, आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। बात यह है कि थोड़ी देर पहले नागमणि रेस्टोरेंट में एक औरत चिल्लाते चिल्लाते आई थी, उसे बहुत चोट लगी थी और भागते भागते उसने ये कहा, वो दो गुंडे हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। तो हमें पता चला है कि वो औरत आपकी पत्नी थी। क्या? कृतिका? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? विवेक देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ, ये तो कृतिका का ही है। लेकिन कृतिका को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? राजू, क्या तुम्हारे पास कृतिका का कोई फोटोग्राफ वगैरह है? हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लीज। ये देखिए सर। इस फोटो को अच्छी तरह से देखो। देखो, क्या ये वही औरत थी? जी हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर वो कृतिका नहीं होगी सर। राजीव, एक बात बताओ, क्या कोई कृतिका को मारना चाहता है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है सर। कृतिका है कहाँ? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर वो इतनी बुरी हालत में थी तो फिर वो ज्यादा दूर भाग भी नहीं सकती, कहीं छुप के बैठी होगी। क्या हो रहा है? ये 3 बज चुके हैं, तुम्हारा अभी तक कोई मजदूर नहीं आया? अब मुझे पता चला यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा? सुनिए, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं। एक सेकंड, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। 2 गुंडे मेरे पीछे पड़े, मेरी जान बहुत मुश्किल में है। क्या कह रही है? प्लीज प्लीज पुलिस को फोन कीजिए। अभी कर दो, एक क्यों मार रहे हो उसको? चुप कर, वरना भेजा डाल दूंगा, समझा? सर, ए रुको, बचाओ 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 प्लीज कोई बचाओ 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 प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। अब मुझे कौन नहीं बचा सकता? क्या कर रहे तुम लोग? सर, इतने दूर वो भाग के कैसे आ सकती है? हाँ हाँ, वही तो, कपड़ों पे, मुंह पे खून लगा हुआ है, यहाँ से चिल्लाती हुई भाग रही होगी, कोई उसे ना देखे हो ही नहीं सकता है। हे भगवान, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। पुलिस 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 सर, क्या हुआ क्या हुआ? सर वहाँ एक लड़की का खून हो गया। लड़की? देखो ठीक से बताओ क्या हुआ है। वो लड़की खून से लथपथ थी सर, दो गुंडे आए, उन्होंने से गोली मार दी सर। क्या ये वो लड़की? हाँ सर, ये वही लड़की है। कृतिका? ये तो कृतिका है। मेरे साथ आइए सर, प्लीज। कम कहाँ पे देखा था लड़की को? वहीं सर, ऊपर गिरी हुई है, वहीं से गोली लगी थी सर। ये कहाँ गई? ये यहीं तो गिरी थी। अरे मैंने उसे अपनी आंखों से गिरते हुए देखा था। तो फिर गई कहाँ वो? तुम्हें ठीक से याद है ना? हाँ सर।
अच्छा इधर आइए। से यहाँ पे बहुत सारा खून है। ए भगवान, इतना सारा खून, ये कृतिका का होगा। कृतिका पेट्रिक से काम करो, आसपास देखो, कुछ दिखता है क्या? देखो यहाँ कहीं घसीटने के निशान मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अच्छी तरह से देखो, नहीं सर, यहाँ खून के अलावा कुछ नहीं है। सर शायद वो दोनों कृतिका को यहाँ से उठाकर लेकर गए। शायद शायद वो उसे हॉस्पिटल ले गए हो। राजीव, वो दोनों गुंडे कृतिका को मारना चाहते थे, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। कृतिका को कोई क्यों मारना चाहेगा सर? एक बात बताइए, आपने उन दोनों गुंडों को अच्छी तरीके से देखा है? सर मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, उन लोगों ने मेरे पर गोली चलाई सर। गुड सर, उन दोनों का स्केच बनवाते हैं। सर साइट सुपरवाइजर ने उन दोनों गुंडों का स्केच बनवा दिया है, ये देखिए। ओ, तो ये है वो दोनों। शिवेन सर, जरा देखो ये दोनों गुंडे हमारे सीआईडी के वीआईपी लिस्ट में है कि नहीं। जी सर। नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो इनका कोई पता नहीं है। इसका मतलब सर, या तो ये बिल्कुल नए हैं या फिर बहुत तेज है, तभी सीआईडी से बच गए। नहीं अभिजीत, बहुत देर तक हम से बच नहीं सकते। हम इन्हें पकड़ कर ही रहेंगे, हमें इन दोनों को पकड़ना ही होगा। यही एक रास्ता है उस लड़की को बचाने का। सर एक जगह है जहां से पता चल सकता है। कहां से? सर वो एक सीक्रेट है। सीक्रेट? और मेरे से? सर कुछ ऐसा ही है सर। ए, क्या हो रहा है ये? चलो बंद करो ये सब, पुलिस की रेड है, सब एक तरफ आ जाओ। चलो चलो निकलो इधर, बहुत हो गया, हटो। बहुत ठंडा कर लिया आज के लिए तुमने, चलो इस तरफ लाइन में खड़े हो जाओ, कोई नहीं लेगा यहाँ से। सर ये रेड किस लिए? मैंने तो सब टैक्स भर दिए हैं सर। लाइसेंस है? हैं लाइसेंस है दिखाओ। देखो तुम साइड टेबल वाले बहुत खुशी आ रही है तुझे। नहीं 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 दया दया, यहाँ काला धंधा चल रहा है और तुझे हंसी आ रही है? हाँ अब बोल, और हंसेगा? क्या हंसना मना है क्या? अरे दया संभालो सर, प्लीज सर रोकिए, सर सर प्लीज उनको रोकिए। जाओ यार खुद कोशिश करके देख लो, मेरी तरफ से पूरी परमिशन। जी जी हाँ, एक बार ये मशीन चालू हो गई तो रुकती नहीं है, काम पूरा करके। क्यों मजा आया हंसने का? अरे कितनी जोर से मार रहा है साहब, धीरे मार रहा है यार। हेलो, ये उन दोनों का स्केच है समझे? ठीक है, कल दोपहर को जू सिग्नल काम हो जाएगा। साहब मेरे पुराने काम का क्या हुआ? नहीं अभी भी खतरा है, थोड़े दिन तक और छुप के रहना पड़ेगा। चलो सीआईडी के सामने हंसेगा ना तो समझ जाना, समझे? अब की बार छोड़ रहा हूँ तुझे, आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आना। क्या नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा मेरा चश्मा। तक तो आ जाना चाहिए था ना, बहुत देर हो गई। आएगा तो 100% आएगा बॉस। नाम क्या बताया था? कालिया मिरासी। वैसे तो वो अपना नाम और हुलिया हर रोज बदलता है, कभी रघु पान वाला तो कभी मोहिते रिक्शा वाला। बेचारा अपनी जान बचाते घूम रहा है, एक जगह पे नहीं टिकता। बेकार है क्या? हाँ पहले था क्रिमिनल, मगर अब सुधरना चाहता है, मगर वो लोग उसे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन एक बात है बॉस, मैं उस पर आग बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। लगता है आ जाना भूल गया वो। कोशिश करके भी भूल नहीं पाता हूँ, यही तो प्रॉब्लम है, हाथी जैसी याददाश्त है मेरी। वाह कालिया, कमाल का गेटअप है, मैं तो पहचान नहीं पाया तुम्हें। पहचान लिया तो मेरा फायदा क्या है साहब? वैसे आपका काम हो गया है, काणी गली घर नंबर 14। थैंक्स। अरे क्या है इधर, क्या है? टेलीफोन एक्सचेंज में जाओ ना, इधर क्या इंक्वायरी का? ये इंक्वायरी काउंटर है क्या? जा रहे चलो चलो चलो।
क्या है? कुछ नहीं सर, फोन भी बंद हो गया था। फोन भी बंद हो गया तो पुलिस स्टेशन में जाना। तेरे को मालूम है वो सैरी वाले उधर ही बाहर खड़े थे लड़की के हस्बैंड के साथ। शुक्र समझ के बच गए हम लोग। नहीं नहीं, ये सीआईडी वालों के हाथ नहीं पड़ने का। सीआईडी वालों का नाम सुनते ही टांगे कांपने लगती हैं। करते क्या है सीआईडी वाले? अभी बताता हूँ करते क्या है। लड़की को हम आग मिल लेके थे, मिल जली पड़ी है डॉक्स के पास। बता कहाँ छोड़ा था तुमने उस लड़की को? कहाँ छोड़ा था? यही छोड़ा था सर। सर सर छोड़ने के बाद सर हम दोनों यहाँ से भाग गए थे सर। यहाँ छोड़ा था तुमने? जी हाँ सर। तो फिर कहाँ गई वो लड़की? पता नहीं साहब, हम तो उसको यहीं छोड़ के चले गए थे। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना, अगर वो लड़की सही सलामत नहीं मिली तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? हाँ भैया, हाँ सर, यहां पे खून गिरा है मगर ये खून के निशान यहां से आगे किसी भी तरफ नहीं है सर। दया, इसका मतलब है कृतिका यहीं कहीं होनी चाहिए और जिसने भी इन दोनों को पैसे दिए वो भी यहीं कहीं छुपा होना चाहिए। ऑयल मिल का कोना कोना छान। ये बदबू कहां से आ रही है? माय गॉड, फ्रेडरिक, सर ये तो पूरी तरह जल गई है। थोड़े से पैसों के लिए ऐसी हालत कर दी? नहीं 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 नहीं, तुम लोग बोल रहे हो कि उसे छोड़ के आए थे? नहीं नहीं, उस लड़की को काट के जला दिया गया है? नहीं नहीं, तुम दोनों का भी मैं वही हाल। नहीं नहीं साहब, नहीं, हमने नहीं मारा साहब, हमने नहीं मारा साहब। ये लोग कौन है? कृतिका के मम्मी पापा हैं। यस डॉक्टर। सर, खूनी ने अपना काम बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आराम से किया है। पहले इस बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसे जला दिया। मगर डॉक्टर, ये पता कैसे चलेगा कि ये बॉडी कृतिका की है? मतलब ये बॉडी कृतिका की नहीं है? मतलब हो सकता है कि हमारी कृतिका कहीं और हो, सही सलामत है? कुछ कहा नहीं जा सकता, बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। एक आखिरी रास्ता है, मैं इस खोपड़ी पर कृतिका का चेहरा बनाकर देख सकती हूँ। क्या आप कृतिका का चेहरा फिर से बना सकती हैं? खोपड़ी के आकार से चेहरा बनाया जा सकता है। क्या कभी कृतिका का कोई एक्सीडेंट हुआ है? कभी कोई हड्डी वड्डी या कुछ टूटा है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हड्डी के एक्सरे से पता लगाया जा सकता है कि ये बॉडी कृतिका की है या नहीं। नहीं, कृतिका का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, पर उसके राइट पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली है। सर, खोपड़ी पर चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, इस पैर पे एक एक्स्ट्रा उंगली है। ये बॉडी कृतिका की है। कृतिका, कृतिका, पापा,
पापा हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई पापा। देखिए संभालिए अपने आप को, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब आप हिम्मत से काम लीजिए प्लीज। आइए कृतिका। तो आप ये कहना चाहते हैं कि खूनी ने पहले कृतिका को गोली मारी, फिर उसके बॉडी के टुकड़े किए और फिर इन टुकड़ों को उस ड्रम में भरकर उन्हें जला दिया? नहीं सर। खूनी ने पहले कृतिका को गोली मारी, फिर उसकी बॉडी के टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को बोरी में डाला, उस बोरी को ड्रम में डाला और फिर जला दिया। बोरी में डाल के इसकी क्या जरूरत है? ये तो आपको खूनी बता सकता है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इसके पैर पे एक बोरी का टुकड़ा चिपका हुआ मिला है। खुशकिस्मती वो क्यों? ये देखिए, ये देख रहे हैं इसके पैर पे बोरी का टुकड़ा? ये पैर शायद ड्रम के बाहर रह गया होगा, इसलिए पूरी तरह से जला नहीं है। तो अब ये बोरी का टुकड़ा शायद हमारे लिए उम्मीद बन सकता है। ये देखिए सर, इस पर कुछ प्रिंट किया है, लोगो है, किसी कंपनी का निशान, M। देखो अभिजीत। लेकिन सर इससे क्या होगा? इससे हमें बहुत जरूरी क्लू मिल सकता है। हाँ समझे, ये उस कंपनी का लोगो होगा जिसने इस बोरी में सामान भर के बेचा है। सर अगर ये पता चल जाए कि ये बोरी कहाँ से आई थी तो उस खूनी तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा जिसने कृतिका को इस बोरी में बंद करके जलाया था। सर इंडिया में अभी अलग अलग कंपनियों के 5.5 लाख लोगो रजिस्टर्ड है सर। सर लोगो मिल गया है। बड़ा करो इसे जरा। सर ये लोगो किसी महक बासमती राइस का है सर। ये कंपनी चावल की दोबारा पैकिंग करके भेजती है सर। जल्दी से इसका पता नोट करो, तब तक मैं व्हीकल का इंतजाम करता हूँ। सर वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा सर। एयरपोर्ट क्यों, यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं सर, कंपनी का ऑफिस जोधपुर में है सर। जोधपुर? सर ये राजीव और कृतिका अपने हनीमून के लिए जोधपुर ही गए थे सर। हाँ व्हाट अ कोइंसिडेंस, जिस बोरी में लाश मिली वो भी जोधपुर की, और राजीव और कृतिका हनीमून के लिए गए वो भी जोधपुर। हमारा सामान मुंबई जाता नहीं है साहब, छोटी सी मार्केटिंग की कंपनी है और जोधपुर में इतनी डिमांड है कि बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। आप सामान मुंबई भेजते ही नहीं, किसी खास कस्टमर के लिए भी नहीं? नहीं साहब। तो फिर आपके यहाँ की बोरी मुंबई कैसे पहुंची? हमारा सामान ही इतना अच्छा है जैसे चने की दाल, लोग जोधपुर घूमने आते हैं और खरीद के ले जाते हैं बस। अच्छा और यहाँ कितनी दुकानें हैं जहाँ आपका माल बिकता है? ये के तकरीबन 100 दुकानें होंगी। ओह तो फिर जिन दुकानों में आप अपना सामान भेजते हो उनकी लिस्ट भी तो होगी आपके पास, है ना? है ना हुकुम, देखे जरा ये लीजिए हुकुम। ये ना सर, अगर हम अलग अलग जाके पता करेंगे तो शाम तक ये 100 दुकानें पूरी हो जाएंगी सर। दया इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा सर? ये देखो सनराइज होटल। यस सनराइज होटल। सर ये तो वही है जहाँ राजीव और कृतिका हनीमून के लिए आए थे। हाँ रास्ता अपने आप साफ होते जा रहे थे। सनराइज होटल चलते हैं, देखते वो बोरी मुंबई पहुंची कैसे। मैनेजर साहब आपके यहाँ महक बासमती चावल आता है? यस सर, हमारे यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल आता है सर। क्या बात सर, हमारे चावल में कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं आपके चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि चावल जिस बोरी में आता है उसमें प्रॉब्लम है। चावल की बोरी में गड़बड़? ये बताइए चावल खत्म होने के बाद उसके बोरी का क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर, आलू प्याज ऐसा कुछ भी सामान भर के रखने के काम आता है सर। आपके स्टोर रूम में से कभी
चोरी नहीं हुई है? चोरी नहीं सर, आपको किसने कहा सर? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो खाली बोरियां होती हैं, वो आप किसी को ले जाने के लिए देते हैं क्या? मेरा मतलब है जैसे आपके किसी स्टाफ मेंबर को या फिर कोई गेस्ट हो। जी सर, कभी कोई मांगता है तो दे भी देते हैं सर। तो पिछले 5-10 दिनों में आपने किसी को बोरी दी है क्या ले जाने के लिए? याद करो, याद नहीं आ रहा? आप कमाल है, आप सब लोग भी याद करो, अच्छी तरह से याद करो। हमें पता चला है कि आपके होटल में से एक बोरी बाहर गई है, समझे? हम जानना चाहते हैं कि वो बोरी कौन ले गया, याद करो अच्छी तरह से। यहाँ की एक बोरी में एक लड़की की लाश मिली है, समझे? एक लाश, एक खून का मामला है। जिसे भी उस बोरी के बारे में कुछ पता है जल्दी से हमें बता दे, वरना सबको लेके जाएंगे, समझे? सबको। सर, पिछले हफ्ते एक बोरी मैंने ली थी। किसे दी थी? होटल में एक आदमी आया था सर, उसे दी थी। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब। वाह, नाम तक नहीं पूछा और स्टोर रूम में से उठा के सामान दे दिया। ये देखो, इस आदमी को पहचानते हो? जी साहब। सर, ये राजीव साहब हैं, अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे। बहुत बहुत अच्छी जोड़ी है साहब। तुमने वो बोरी इस आदमी को दी थी? हा? जी नहीं, वो आदमी रूम नंबर 407 में ठहरा था, जहां राजीव साहब का कमरा था, उसी गैलरी के दूसरी तरफ। उसका नाम यहाँ के रजिस्टर में होगा, उसका रजिस्टर चेक करो। सर, एक्सक्यूज मी, रजिस्टर, थैंक यू। सर, ये रहा। बड़ा अजीब सा नाम है, रॉबिन्सन क्रूज़ो। रॉबिन्सन क्रूज़ो, ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? दया, सर, ये आदमी जरूर यहाँ खून करने की प्लानिंग करके आया था, और इसलिए उसने ये ऐसा झूठा नाम लिखा है। मैं कहता हूँ उसका एड्रेस भी झूठा होगा। उसकी कोई आइडेंटिटी है आपके? जी नहीं सर। यह ऐसे कैसे हो सकता है, है? आपने उससे कोई विजिटिंग कार्ड या आइडेंटिटी नहीं पूछी, ऐसे ही उठा के बुकिंग दे दी? 1 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि इस आदमी का नाम झूठा है। दया, एक काम करो, यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाओ और एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ। स्केच बनवाते इस रॉबिन्सन क्रूज़ो का। लीजिए साहब। थैंक यू, आप जा सकते हैं। माय गॉड, अरे ये तो कमल है, राजीव का दोस्त। इसे तो हमने राजीव के घर में देखा था। हाँ सर। सर, इसका मतलब है कमल ने अपनी दोस्त की वाइफ का खून किया, पर वो ऐसा करेगा क्यों? सर, हो सकता है कृतिका ने गलती से कमल को कुछ ऐसा करते हुए देखा जिससे कमल को खतरा हो, और इससे पहले कि कृतिका राजीव को कुछ बता सके, कमल ने कृतिका को ही मार दिया। अब कृतिका ने क्या देखा ये तो सिर्फ कमल ही बता सकता है। मुंबई वापस चलते हैं। कमल, क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं साहब नौकर हूँ। अच्छा, ये कमल साहब हैं घर में? आप लोग कौन हैं साहब? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? साहब, मैं अभी खोलता हूँ, मेरे पास चाबी है। आइए साहब। साहब तो घर पर ही थे जब मैं गया था, शायद थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। ठीक है, हम उनका यही इंतजार करेंगे। हाँ, मैं जब तक ये सामान अंदर रख के आता हूँ।
My God. लगता है गोली मारी गई है। जरा बॉडी पलटो। गोली अभी अंदर ही है। अरे सुनो, आखिरी बार अपने साहब को जिंदा कब देखा था? करीब एक घंटे पहले। साहब बहुत गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि साहब के मोबाइल में एक मैसेज आया था। साहब ने मेरे उसको फोन किया। तुमने सुना ये फोन पे क्या बात कर रहे थे? क्या क्या बात कर रहे? साहब ने बोला कि मुझे तंग करना बंद कर दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। पॉकेट चेक करो। मोबाइल यस सर, मोबाइल है। मैसेज पिंकी पिंकी पिंकी, ये पिंकी के बहुत सारे मैसेज हैं। देखें जरा ये पिंकी कहती क्या है। मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं ओहो दे इस पिंकी को ढूंढना चाहिए जल्दी से जल्दी। जी कहिए। आप लोग कौन हैं? किसी से मिलना था? अब समझ में आया ये सारा चक्कर क्या है? एक्सक्यूज मी। अरे यात्रा कर रही है। और आप लोग? आप कमल को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। तो बात ऐसी है कि कमल मर चुका है, उसका किसी ने खून कर दिया है, और उसके सेलफोन पर आपके SMS मिले हैं जिसमें आपने पैसे वसूल करने के लिए उससे धमकियां दी है। धमकी नहीं, मैंने उसे याद दिलाया था कि उसे मेरा पैसा लौटाना है। और इसी बात पे आपका उससे झगड़ा हुआ? देखिए मैं आपको साफ साफ बता चुकी हूँ, मुझे सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए थे। मैंने उसका खून नहीं किया है। चलो मान लिया कि तुमने उसका खून नहीं किया, लेकिन विवेक एक बात नोटिस की तुमने? इनका चेहरा किसी से बहुत मिलता जुलता है। हाँ सर, बाल और आंखें छोड़ के बाकी सब कुछ मिलता है सर। सर हाँ, बाल और आंखें भी मिल गई। I mean, contact lenses. बस इसी चीज की कमी थी। ये तो पता चल चुका है कि ये सब हुआ कैसे। अब जरा सा कुछ करके देखते हैं। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कमल का खून नहीं किया है। हाँ हाँ वो तो हमें मालूम है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो रही है फिंगरप्रिंट देने के लिए? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो इन सब का क्या मतलब है? बस ऐसे ही आपकी याद के लिए एक निशानी रखना चाहते हैं हम CID में। दीजिए फिंगरप्रिंट, आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए मुस्कान जरा इनकी फिंगरप्रिंट्स ले लो। चलिए। अब अपना हाथ इस ग्लास पे। हो गया, बन गई बात। मिसेस कृतिका, आखिर CID ने आपको बचा ही लिया। आपके पति तो अब बहुत खुश होंगे आपको जिंदा देखकर। राजीव तुम
राजीव देखो ना, तुम्हारे प्यारे ने मेरी जान बचा ली है। लेकिन सॉरी राजीव, हमसे एक गलती हो गई। जो जली हुई लाश हमें मिली थी वो तुम्हारी वाइफ कृतिका की नहीं थी। वो तो बिल्कुल सही सलामत है, और जितनी खुशी तुम्हें इन्हें देखकर हुई है उतनी ही खुशी हमें भी हुई है। बस इन्हें तुम्हारे पास पहुंचाकर हमने अपना तो काम कर दिया। लेकिन आपने तो कहा था कि कृतिका मर गई। हाँ कहा था, लेकिन कभी कभी सीआईडी से भी गलती हो जाती है। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमें तो इस बात की खुशी है कि आपकी वाइफ आप तक पहुंच गई है ना? सीओ राजीव, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं घर वापस आकर कितनी खुश हूं। लगता है जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। शट अप, बंद करो ये बकवास। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। क्या मुस्कान सर, तुमने वो कैमरा बराबर फिट किया है ना? जी सर। अभिजीत, कैमरा की फ्रीक्वेंसी मैच करो। यस सर। तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हो राजीव? सुनो, तुम एक दो कौड़ी की एक्ट्रेस हो जिसे मैंने अपने वाइफ की एक्टिंग कराने के लिए लाया था। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। राजीव, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चुप चुप चुप। एक बार कहा ना, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ का अपने हाथों से खून किया। क्या क्या कहा तुमने? तुमने खून किया कृतिका का? हाँ, मैंने मारा। हे भगवान, लेकिन क्यों मारा? क्योंकि वो बेवकूफ थी। क्या क्या जरूरत थी उसे मेरे और कमल की बात सुनने की? हाँ बता बता, कौन सी बात सुनी थी उसने? उसने मेरे और कमल की बात सुनी कि हम 10 करोड़ का ड्रग स्मगल करने वाले। कमल कमल को तो मैंने मारा, अब तो बचिए तू और देखो। मैं तो आपको बचाने आई थी। वो एसीपी बहुत क्रूकेड है, उसे सब कुछ मालूम है। तुमने मुझे फंसा दिया, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लगता है उसने पिंकी को गोली मार दी। चलो जल्दी। सारा खून लगता है पेट में गोली मारी है। राजीव, हाथ ऊपर करके बाहर आओ, देखो तुम्हारा बचना मुश्किल है। राजीव बाहर आओ। राजीव बाहर आओ, तुम्हारा बचना मुश्किल है। राजीव बाहर आओ। राजीव मर चुका है। पिंकी? पिंकी? हाँ पिंकी, मैं जेल में नहीं सड़ना चाहती। मैंने कुछ पैसों के लिए एक्टिंग की थी, मुझे जेल में नहीं जाना। देखो पिंकी, हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तुम बाहर आओ और अपनी गन हमें दे दो। पिंकी पिंकी बाहर आओ। अपनी गन नीचे रखो। मेरी बात मानो पिंकी, अपनी गन जमीन पर रखो। राजीव कहाँ है? जिंदा है। राजू, तुमने अपनी वाइफ को कहाँ पे मारा? जोधपुर। जोधपुर? और फिर उसके टुकड़े करके यहाँ पे ले आए? अगर उसकी लाश जोधपुर में मिलती तो 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 मैं वहीं फंस जाता। और इसलिए तुमने पिंकी को अपनी वाइफ कृतिका के कपड़े पहनाकर वो ड्रामा किया, रेस्टोरेंट से भागने का, बिल्डिंग में गोली चलाने का। मुझे माफ कर।
सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।